फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड, मैं आई थी अपने ससुराल और अब मैं आप लोगों को अपने ससुराल का घर दिखाऊंगी। तो चलिए और मेरी वीडियो, आज की वीडियो देखिए फ्रेंड। ये है हमारा मेन गेट जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। और जैसे हम अंदर जाते हैं तो दोनों तरफ लगा रखी है मेहंदी। और मेहंदी हम लोगों ने इसलिए लगा रखी क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। तो ये ऐसा एक पेड़ है जो कि मतलब कभी सूखता नहीं है, चाहे पानी कम हो चाहे ज़्यादा हो। ज़्यादा होता तो बहुत हरा हरा हो जाता है, जब बारिश की टाइम होती है जब तो ये पेड़ और भी ज़्यादा। टेट बाथ और उधर पानी भरने के लिए टैंक जो स्टोर करके हम रखते हैं और इकट्ठा मंगवाते हैं। और इसमें भी जब हम लोग मोटर चलाते हैं तो इसमें पानी वानी भर देते हैं टंकी में, क्योंकि हमारी ऊपर वाली टंकी फूट गई है। पूरी बाथरूम के ऊपर वाली पूरी टंकी टूट गई है पूरी की पूरी, इसलिए नीचे एक टंकी रख रखी है। और उधर पानी हम लोग खींच के और फिर काम में लेते हैं। उसमें मोटर वोटर नहीं है, बाल्टी से खींचते हैं और पानी और फिर हम लोग। और ये है हमारी पोल जो कि सबसे बड़ा मेन गेट यही है अंदर जाने के लिए, उस गेट के बाद में। और यहाँ सो रहे मेरे ससुर जी और इनको मतलब खुले में सोना पसंद आता है, इनको कमरे वमरे में नहीं सोते। बुज़ुर्ग आदमी हैं तो ये यहीं सोते हैं, दोनों तरफ से ठंडी हवा आती रहती है दिन भर तो ये यहीं सोते हैं। पूरा पोर्च है, हम लोगों के कोई गेस्ट आता है या कोई भी आता है तो यहाँ हवा आती रहती है। इधर भी गेट है और इधर भी गेट है, आमने सामने गेट है तो यहाँ अच्छी हवा आती है तो सब लोग यहीं बैठते हैं। और अलग से मेहमानों के लिए कोई कमरा नहीं होता गांव में, क्योंकि गांव में ऐसे ही होते हैं घर सबके बने हुए अधिकतर। अब लोग बनाने लगे हैं सेपरेट पोर्शन वगैरह, नहीं तो बाकी जो पहले जो पुराने टाइम में बने हुए मकान हैं वो इसी तरह से बनते हैं जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वैसे। इन सब में है गेहूँ, मक्का, बाजरा और ये हॉल में ही रहते हैं। हम लोग पीने का पानी भी हॉल में ही रखते हैं, किचन में नहीं बना रखा। और पहले का टाइम से ही बना हुआ है तो पानी पीने के लिए हम लोग मटकी और चरू यहीं रखते हैं हमेशा ही। और ये है मेरे जेठ जी का कमरा और वो यहाँ रहते नहीं हैं तो ऐसे ही पड़ा है, सामान ही पड़ा है, बर्तन वगैरह पड़े हैं और बड़े बड़े डिब्बे पड़े हैं और ये पलंग वगैरह लगा हुआ है उनका। ये है पास वाला रूम, इसमें भी गेहूं के कट्टे, मक्की, ज्वार, बाजरा सब अलग अलग खेतों से आया हुआ है तो यहाँ रख रखा स्टोर करके, जब भी ज़रूरत होती तो ले लेते हैं। और ये अलग अलग खेतों से आता है तो अलग अलग जगह रख रखा है ताकि पहचानने में आ जाता है कि ये कौन से खेत से आया कौन से खेत से नहीं आया। और रूम खाली है तो फिर इसमें रख दिया आधा और आधा बाहर चौक में रख रखा है बस ऐसे। उस रूम के बाद में अभी ये है हमारा छोटा सा किचन, और किचन में पहले भी दिखा चुकी हूँ पर फिर और आप लोगों को जब होम टूर करवा ही रही हूँ तो किचन और अच्छे से दिखा देती हूँ। डिब्बे पड़े हैं और थोड़ा बहुत सामान पड़ा है। और ये है फ्रिज है और आटे का डिब्बा है। और ये है हॉल की दूसरी तरफ मेरा बेडरूम जो आप लोगों को मैं पहले दिखा चुकी हूँ जब मैंने बेडरूम की क्लीनिंग की थी अच्छे से पूरे रूम की। और ये बेड अभी दिवाली पे लिया था, पहले मेरे दहेज का ही पड़ा हुआ था, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। और सामने कूलर है और ये इधर अलमारियां लगी हुई है। बस छोटा सा रूम है, अपने हिसाब से कर रखा है। और गांव में सब लोग सिंपल तरीके से रहते हैं, हम भी ऐसे ही रहते हैं बहुत सिंपल तरीके से। ये है मेरे रूम के पास वाला रूम और इसमें भी कोई नहीं रहता, ये खाली पड़ा है पूरा। मेरे जो पुराना बेड था वो मैंने इसमें लगा दिया है, बस ये ऐसे ही लगा पड़ा है, ना कोई सोता है इसमें ना कोई बैठता है ना उठता है, ये पूरा खाली रूम है और ऐसे ही है। वैसे भी यहाँ कोई रहता नहीं है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ बच्चे आते हैं तो खूब उदम करते हैं, बाकी बाहर भी बहुत खेलने की जगह चौक में तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये है उसके पास वाला रूम और पास वाले रूम में पड़ा मेरे मतलब बहुत पुराना, जब मेरी 15-16 साल पहले शादी हुई थी, दहेज का सामान है तो वो इधर ही पड़ा है और इसी में रख रखा है इसी रूम में। और इसके बाद में ये चौक आ जाता है और चौक है बहुत बड़ा और सामने है दो रूम। और ये चूल्हे दिख रहे हैं, इसमें हम लोग खाना बनाते हैं। ये टंकी है पानी की, इसमें हम लोग बर्तन यहीं धोते हैं सब। और ये जा रही ऊपर सीढ़ियाँ छत के लिए। और ये है सबसे पुराना मकान, मतलब सबसे पुराना, और यहाँ पहले बने हुए थे, पहले बहुत कच्चे थे उनको तुड़वा के और अभी बनवाए थे नए। और ये है मतलब सबसे पुराना यही है, मतलब जो सामने दिख रहा है डबल मंजिल वाला ये सबसे पुराना है, मतलब काफ़ी साल पुराना, पर इसमें अभी भी रहते हैं नीचे मेरी मम्मी जी रहते हैं। और चलो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाती हूँ कि कैसा सामान पड़ा है इसमें।
ये जो आटे की चक्की है उसको इस तरह से चलाते हैं, इसमें दाल वगैरह भी पीसते हैं। और इसमें पहले के टाइम में गेहूं वगैरह भी इसी में आटा पीसते थे लोग। मतलब चक्कियां कहाँ होती थी पहले लोगों के पास में, पर ये हम लोगों के पास में अभी भी पड़ी हुई है और हम लोगों ने संभाल के रख रखी है। हम लोगों को जब भी दाल करनी होती है इकट्ठी तो हम इसी में करते हैं, और इसको गट्टी बोलते हैं, चक्की, आटा चक्की, और गाँव में बोलते हैं इसको गट्टी। बस वही है ये। मैंने भी इसमें बहुत बार दाल वगैरह की हुई है, मुझे दाल करनी आती है, मुझे आटा पीसना भी आता है। पर अब लोगों के पास चक्की हो गई, बाहर पिसवा लेते हैं तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। बस दाल दाल करते हैं हम लोग इसमें, जब इकट्ठी दाल 10 से 15 किलो करनी होती है तो हम लोग इसी में करते हैं। तो आपको भी कैसी लगी ये गट्टी, किस किस को पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये है उसके पास वाला रूम जिसमें कुछ ड्रम पड़े हैं और ये गेहूं भरे हुए हैं ड्रम में, जो साफ़ करके हम लोगों ने भरे थे, और पलंग वगैरह रख रखे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख रखी है ताकि कभी बारिश हो तो हम लोग यहाँ से सूखी लकड़ियाँ मिल जाती है, क्योंकि हम लोग चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। तो और उसके बाद में ये है सबसे पुराना वाला, और ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर रूम के लिए जा रही है, और ये सामने इसमें मेरे मम्मी जी रहते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम वो यहीं बिताते हैं, सबसे ज़्यादा उनका यहीं बीतता है क्योंकि ठंडा रहता है ये रूम ऊपर बना हुआ है इसलिए। तो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा ससुराल का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।